पटना में फिर एक बार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी पुलिस के सामने ही गोलीबारी कर रहे हैं। बुधवार सुबह दो बाइक सवार चार अपराधियों ने बेहटा के गुलटेरा बाजार के समीप पुलिस के सामने ही युवक को गोली मारने के लिए कई राउंड फायरिंग की। हालांकि गोली लगने से जख्मी युवक भी मौके से फरार हो गया। बेहटा थाना अध्यक्ष अतुलेश कुमार ने बताया कि दो दिन पूर्व लड़कों में किसी बात पर विवाद हुआ था, इसी को लेकर अज्ञात लोगों ने एक राउंड फायरिंग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपके कोचिंग के नीचे गोलीबारी की हुई है, क्या मामला है? सर, मैं तो क्लास ले रहा था, फिर कुछ देर बाद कोई स्टूडेंट आए वहाँ नीचे से, तो उन्हें बताया कि शायद गोली चल गया, और मैं फिर नीचे उतर के गया भी नहीं, और तब से वो क्लास मेरा जो क्लास चल रहा था सारे लोगों को हमने छुट्टी कर दिया, शटर बंद कर दिया। घायल भी है सर? मैं देखा ही नहीं सर। इसके पहले भी मारपीट हुई थी, झगड़ा हुई थी सर? कल भी मारपीट हुई थी, कल तो मैं यहीं से देखा था, बहुत सारा भीड़ लगी हुई थी। किनके छात्र थे वो? सर यहाँ तो बहुत सारे कोचिंग है, किनके छात्र हैं वो? इतने सारे स्टूडेंट है सर, बहुत हब रहता है यहाँ पर, क्योंकि ड्रीमलैंड के ऊपर में गुरुकुल है। अब किनके छात्र है, मैं छात्र को तो सारे छात्रों को पहचान नहीं सकता, मैं तो सिर्फ अपने छात्रों को पहचानूंगा, या फिर उनके ऊपर जो जाते हैं क्लास, तो कुछ छात्र मेरे जो पास आउट हैं उनको मैं पहचान सकता हूँ। गोली चलने की सूचना मिलने के उपरांत जो है सत्यापन हम परसों एक गुरुकुल कोचिंग है, वहाँ का लड़का जो है आपस में कुछ मुद्दों को लेकर झगड़ा झंझट किया था, संभवतः उसी इशू को लेकर आज जो है कोई अज्ञात लड़का जो है एक फायरिंग किया है। जहाँ तक गोली किसी को लगने की बात है उसकी अभी तक पुष्टि